हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं हर एज ग्रुप के, यंगर एज ग्रुप के एथलीट जो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, ओल्डर एज ग्रुप के जिनको शोल्डर पेन होता है। ये पेन खास तौर से तब होता है जब वो अपना हाथ 90 डिग्री से ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी किसी एंगल में जिसमें मेरे को हाथ अपना ऐसे ही इंटरनल रोटेट करना पड़ता है। अगर आपको इस तरह का शोल्डर पेन हो रहा है जिसके अंदर आप 90 से जब ज्यादा उठा रहे हैं तब आपको लग रहा है कि अंदर कुछ चुभ रहा है, या फिर किसी किसी मूवमेंट में आपको बड़ा दर्द हो रहा है और आप अपनी एक्सरसाइजेस बराबर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम में अच्छी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा शोल्डर में दर्द है, तो हो सकता है आपको इम्पिंजमेंट शोल्डर, या फिर उसको हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस या पार्शियल टियर, ये हो सकता है। तो दोस्तों सुप्रा स्पाइनेटस हमारी रोटेटर कफ मसल रहती है शोल्डर के अंदर। कई बार एथलीट जब सिर्फ डेल्टॉइड की एक्सरसाइज करता है और रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा है, या फिर वो कुछ इस तरह के गेम में इन्वॉल्व है जिसके अंदर शोल्डर इम्बेलेंस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि स्विमिंग, क्रिकेट जिसमें बॉलिंग आती है, बैडमिंटन जिसमें हमेशा आप आगे की तरफ स्ट्रोक लगा रहे हो, इससे हमारे शोल्डर में कई तरह के इम्बेलेंस होते हैं और हमारी जो अंदर की मांसपेशी है खासतौर से सुप्रा स्पाइनेटस, उसके अंदर या तो पार्शियल टियर हो जाता है या फिर टेंडिनाइटिस हो जाती है। एक बार ये डेवलप हो गई तो ये चीज आपके गेम को और आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है, आपको हमेशा दर्द रहता है और आपको हाथ उठाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इस टेंडिनाइटिस को कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन, पीआरपी। पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम पीआरपी आपके ही ब्लड से बनाते हैं। हम 10 ml ब्लड आपका लेते हैं और उसको हम मशीन में डाल के उससे हम पीआरपी फ्रेगमेंट अलग निकालते हैं। उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पेरिसाइट्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। जब मैं ये पीआरपी आपके कंधे में इंजेक्ट करता हूँ तब पीआरपी एक रीजनरेटिव एनवायरनमेंट पैदा करता है आपके शोल्डर के अंदर और वो जो आपकी सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगर उसमें पार्शियल टियर है तो भी पार्शियल टियर धीरे 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 पूरा हील हो जाता है। ये पीआरपी तब काम करता है जब हम उसके साथ साथ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी कराते हैं उसको, रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ताकि उसकी मांसपेशी भी मजबूत हो। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
डैमेज मसल को सपोर्ट करने के लिए हम लोग उसमें के टेपिंग, जिसको हम स्पोर्ट्स टेप भी कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं शोल्डर के ऊपर। अगर ये तीनों चीजें आप कर रहे हैं तो आपका शोल्डर 1 से 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है और हो सकता है कि आपको सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े।